तो बेटा जो है आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे एसी चैप्टर के क्लास 12 फिजिक्स के। पहला है बेटा इंपीडेंस जो एलआर सर्किट में है, तो इंपीडेंस इक्वल्स टू में क्या हो जाता है बेटा जेड से डिनोट करेंगे, ईआरएमएस अपॉन में आईआरएमएस, जो इक्वल होता है किसके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल एक्सएल स्क्वायर। और एक्सएल को बेटा आप ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। और करंट अगर निकालना होगा हमें तो आईआरएमएस बराबर में क्या हो जाएगा ईआरएमएस अपॉन में जेड, और फेज एंगल अगर हमें निकालना है तो बेटा वो हो जाएगा tan phi equals to में xl अपॉन में r, xl को फिर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा n अपॉन में r, और जो फेज एंगल है बेटा वो cos phi से भी निकल सकता है, तो cos phi बराबर में क्या हो जाएगा r अपॉन में z। यहां पर इंस्टेंटेनियस जो करंट की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा वो i बराबर में i नॉट sin ओमेगा t माइनस में phi। सिमिलरली हम जो है RC सर्किट में भी करेंगे, यहां पर इंपीडेंस जो है वो हो जाएगा z बराबर में ERMS अपॉन में IRMS, बस अंतर इतना होगा बेटा यहां पर क्या था हमारे पास R था, ठीक है, मतलब L सर्किट के लिए निकाल सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा C सर्किट के लिए निकालेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XC का स्क्वायर, और XC को अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में ओमेगा C होता है, तो यहां पर स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर और C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर करंट निकालना होगा तो IRMS बराबर में क्या हो जाएगा ERMS अपॉन में जेड, जेड जो ये वाला होगा, ठीक है। फेस एंगल निकाल रहा होगा tan phi बराबर में क्या है यहाँ पर क्या कर रहे थे xl अपॉन में r कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा xc अपॉन में r हो जाएगा, तो xc को आप फिर से खोल लो तो ये हो जाएगा वन अपॉन में ओमेगा c अपॉन में r, और cos phi की क्रम में भी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा r अपॉन में z, और यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस करंट की भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या था माइनस था यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस phi हो जाएगा, आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में phi। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे।